नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत सबसे पहले बात करते हैं हु इज अ गार्डियन। सो सेक्शन 4B डिफाइंस गार्डियन। गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ हिज बोथ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले गार्डियन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उस व्यक्ति की केयर है जो कि माइनर है और उसके पर्सन या प्रॉपर्टी की। पर्सन का मतलब यहाँ पर है फिजिकली यानी कि माइनर की बॉडी से, एंड प्रॉपर्टी यानी कि फाइनेंशियली जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने वाला, उसकी केयर करने वाला क्या होगा? गार्डियन। फर्स्टली अ नेचुरल गार्डियन इज इंक्लूडेड, अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर इज इंक्लूडेड, अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट and a person empowered to act or such by under any enactment relating to any court of wards. So, natural guardian included है, a guardian appointed by the will of minors, father or mother included है, ऐसा guardian जो कि court declare करता है वो included है, और एक ऐसा guardian जो कि किसी दूसरे act के तहत या enactment के तहत या court of wards से relating किसी भी act के तहत empowered है। Then नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर, सेक्शन 6 बात करता है नेचुरल गार्डियंस ऑफ अ हिंदू माइनर। सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन एज वेल एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट प्रॉपर्टी आर। मतलब अब हम देखने वाले हैं कि कौन व्यक्ति गार्डियन होगा अंडर दिस एक्ट, लेकिन उस प्रॉपर्टी को छोड़कर जो कि अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है जॉइंट प्रॉपर्टी का। तो फर्स्टली इन द केस ऑफ अ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल, अगर कोई बॉय है या अनमैरिड गर्ल है तो फादर जो है उसको पहला गार्डियन माना जाता है और उसके बाद जो मदर होंगी उनको। सो फर्स्ट गार्डियन पहला फादर, और अगर फादर नहीं है देन मदर। द कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसा माइनर जिसने 5 साल की उम्र कम्प्लीट नहीं की है वो ऑर्डिनरली मदर के साथ रहता है। In the case of an illegitimate boy or an illegitimate unmarried girl, the mother and after her the father. अगर illegitimate boy या illegitimate unmarried girl है तो mother होंगी और उनके बाद father होंगी। In the case of a married girl, the husband. अगर शादीशुदा लड़की है तो उस केस में husband उनके guardian होते हैं। No person shall be entitled to act as the natural guardian of a minor under the provision of this section. किसी भी व्यक्ति को नेचुरल गार्डियन की तरह एक्ट करने का अधिकार नहीं है माइनर के लिए इस प्रोविजन के एक्ट के अंतर्गत, अगर कुछ कंडीशंस हैं। वह पहली, इफ ही हैज सीज टू बी अ हिंदू, अगर वो हिंदू ही नहीं रहा है, कन्वर्ट हो गया है। सेकेंडली, ही हैज कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड बाय बिकमिंग अ हर्मेट, वानप्रस्थ और एन एसियाटिक यति और सन्यासी। मतलब अगर उन्होंने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, सन्यासी बन गए हैं, वानप्रस्थ में चले गए हैं, तो उस केस में भी वो जो है नेचुरल गार्डियन नहीं बन सकते। सेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट द नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज अ माइनर पासेस ऑन अडॉप्शन टू द अडॉप्टिव फादर एंड आफ्टर हिम टू द अडॉप्टिव मदर। जहां पर जो अडॉप्शन हो रहा है तो उस केस में जो नेचुरल गार्डियनशिप है माइनर की वो पास होती है अडॉप्टिव फादर और उसके बाद अडॉप्टिव मदर के पास। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का है गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई का 1999। तो सुप्रीम कोर्ट इन गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई 1999 हेल्ड दैट द वर्ड आफ्टर इन सेक्शन 6A कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन आफ्टर द लाइफ ऑफ द फादर। यानी कि जो हमने 6A में वर्ड देखा है आफ्टर, उसका ये मतलब नहीं होगा कि फादर की लाइफ के बाद मदर बनेंगी गार्डियन। The word after has the meaning in absence of, मतलब अगर father नहीं है उस वक्त present, कहीं और है, तो उसकी meaning absence ली जाएगी। If the father is absent or is wholly indifferent to the affairs of the minor, then the mother will become the natural guardian of the minor. यानी कि अगर जो father है वो absent है, वहाँ पर उपस्थित नहीं है या indifferent है affairs of the minor के साथ में, so then in that case mother जो होंगी वो बनेंगी minor की guardian. Custody of the child, बहुत important topic है। In deciding the custody of child, the welfare of the minor is of the paramount consideration. तो जब भी custody of child decide की जाएगी, तो सबसे supreme consideration दिया जाएगा, paramount consider किया जाएगा minor का जो welfare, ठीक है? तो minor का जहाँ भला होगा, उस व्यक्ति को custody दी जाएगी। There is another important case which is
मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कुमार 1977, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंट्रोलिंग कंसिडरेशन इन डिसाइडिंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड इज द वेलफेयर ऑफ द माइनर एंड नॉट द राइट्स ऑफ द पेरेंट्स। यानी जब भी कस्टडी डिसाइड की जाएगी बच्चे की, तो सबसे सुप्रीम प्रायोरिटी दी जाएगी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को, ना कि पेरेंट्स के राइट्स को, कि किसका राइट ज्यादा बन रहा है। इस पे बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा वेलफेयर ऑफ द माइनर। सुप्रीम कोर्ट इन सुमेधा नागपाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एन अदर इम्पोर्टेंट केस हेल्ड दैट फादर्स राइट टू कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन इज नाइदर एन एब्सोल्यूट नॉर इनडिफेसिबल वन। यानी कि जो फादर का राइट है, ना ही वो एब्सोल्यूट है, ना ही इनडिफेसिबल है। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, यहाँ पर भी पैरामाउंट इम्पोर्टेंस वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को दिया जाएगा। सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट वेलफेयर ऑफ द माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। इट स्टेट्स दैट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर बाय अ कोर्ट द वेलफेयर ऑफ द माइनर शेल बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। वही बात दोबारा बताई गई कि सेक्शन 13 बोलता है कि हमेशा वेलफेयर ऑफ द माइनर को ही पैरामाउंट कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए। तो इस वजह से जब भी कोई भी पर्सन अपॉइंट किया जाता है एज अ गार्डियन, तो उस केस में भी जो कोर्ट है पैरामाउंट इम्पोर्टेंस किसको देगा, वेलफेयर ऑफ द माइनर को देगा। एंड सेक्शन 12 प्रोवाइड्स दैट गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो अगर जो माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, उसके लिए गार्डियन अपॉइंट नहीं हो सकता, ऑफकोर्स, क्योंकि वो अभी तक डिवाइड ही नहीं हुआ है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।